हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। मेरा नाम है अलक पांडे और मैं आया हूं आपको एक छोटी सी उम्मीद देने आपके नीट के एग्जाम के लिए। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना उम्मीद बैच, जो कि है फिजिक्स का क्रैश कोर्स फॉर योर नीट एग्जाम्स। तो आज हमारे क्रैश कोर्स के फर्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के साथ। एक्चुअली यहां से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नीट में नहीं आता, पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बेसिक मैथ्स के हेल्प से ही सॉल्व होते हैं। मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि उनको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं, फिर भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में कहीं कोई डिफरेंशिएशन है, कहीं उस क्वेश्चन में एक छोटा सा इंटीग्रेशन है, कहीं ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला लगा है, कहीं कोई मैक्सिमा मिनिमा निकालने को पूछा है। तो इस तरह के बहुत से सवाल आपके आने वाले चैप्टर्स में आपको मिलेंगे, जिसमें बेसिक मैथ्स का एप्लीकेशन होगा। तो इस लेक्चर को सीरियसली लेना, इसको अच्छे से देखना, और लेक्चर देखने के बाद आप इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहां? फिजिक्स वाला मोबाइल ऐप से। फिजिक्स वाला मोबाइल ऐप में जाकर आप बैचेस सेक्शन में जाएंगे और बैचेस सेक्शन के अंदर आपका कौन सा बैच है? उम्मीद बैच। तो उम्मीद बैच को ढूंढेंगे और उम्मीद बैच के अंदर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऑप्शन आएगा बाय नाउ का। तो बाय नाउ नहीं करना है, खरीदना नहीं है। बाय नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आप सब्सक्राइब हो जाओगे बैच को। तो बाय नाउ के बटन पे क्लिक करने पे आप अपने आप सब्सक्राइब हो जाओगे। जो उसकी फी है वो ₹0 है। तो बाय नाउ पे क्लिक करते ही आप ऑटोमेटिकली बैच में सब्सक्राइब हो जाओगे और फिर वहां से आप इसके पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ हर लेक्चर के एंड में आपको मिलेगी एक प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस शीट में होंगे उस लेक्चर पे बेस्ड बढ़िया बढ़िया सवाल। यानी लेक्चर को अच्छे से देखना है, लेक्चर के अंदर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद फिजिक्स वाला मोबाइल ऐप पे जाके बैचेस सेक्शन में जाके उम्मीद बैच में बाय नाउ का बटन दबाना है। जीरो फी है, कोई पैसा नहीं है, टोटली फ्री है। और वहां से प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करनी है और उसको भी सॉल्व करना है, सॉलिड तैयारी करनी है। ये सारी बातें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली सेलेक्ट होगे, डेफिनेटली फिजिक्स में 160+ लेके आओगे। अच्छा, अब हो सकता हो लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया, लेक्चर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए, प्रैक्टिस शीट में भी मजा आ रहा, पर प्रैक्टिस शीट के कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। अब क्या करें? सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप में उम्मीद बैच के ऊपर प्रैक्टिस शीट के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको नेक्स्ट डे के अंदर मिल जाएंगे। यानी आज की प्रैक्टिस शीट के सॉल्यूशन आपको कल मिल जाएंगे फिजिक्स वाला ऐप में उम्मीद बैच के अंदर, एंड दैट्स अगेन फ्री। सो यहां पे किसी भी चीज का कोई चार्ज नहीं है। पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, शुरू किया जाए। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स। आज का गोल क्या क्या है? एक तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। वैसे बेसिक मैथ्स में पढ़ाने को बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, पर मैं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और यहां पे मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के साथ। आ जाओ, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो ये आपको वैल्यूज तो याद ही होंगी, है ना? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये तो सभी को याद होगा। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। इस तरह से कॉस की वैल्यू, कॉस 0 इज 1, कॉस 30 इज √3/2, कॉस 45 इज 1/√2, कॉस 60 इज अंडर हाफ, कॉस 90 इज 0। टेन थीटा की वैल्यू, टेन 0 इज 0, टेन 30 इज 1/√3, टेन 45 इज 1, टेन 60 इज √3 एंड टेन 90 इज नॉट इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। टेन 90 डिफाइंड नहीं है। इनके रेसिप्रोकल रेशियोज आपको पता होंगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट। क्लियर एकदम? साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये वैल्यूज आपको याद होंगी डेफिनेटली। अब मैं कह रहा हूं आप ये दो वैल्यूज और पकड़ लो, एक 37 डिग्रीज की वैल्यू और एक 53 डिग्रीज की वैल्यू। बहुत आसान है। जो सबसे फेमस ट्रायंगल बचपन से देखते आ रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3 4 5 वाला, 3 4 5 वाला। इसमें 3 के सामने जो एंगल होता है वो होता है 37 डिग्री, और 4 के सामने जो एंगल होता है वो होता है 53 डिग्री। याद कर लेंगे बढ़िया से एकदम बच्चों। छोटी साइड के सामने छोटा एंगल,
बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल 3, 4, 5, छोटी साइड कौन सी है 3, 3 के सामने छोटा एंगल 37, 4 बड़ी साइड है उसके सामने बड़ा एंगल 53। यहां से बच्चों आप कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद कर सकते हो, लाइक साइन 37 की वैल्यू आपको यहां से पता चल गई। साइन 37 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 3/5। कॉस 37 कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 4/5। और यहां से आप टैन 37 भी निकाल सकते हो बच्चों। टैन 37 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। इस तरह से बच्चों आप साइन 53, कॉस 53 और टैन 53 भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से बताओ, साइन 53 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस 53 बेस कितना है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड टैन 53 फाइनली टैन 53 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रायंगल बना के निकालना, ये ट्रायंगल आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। कहीं एग्जाम में साइन 37 की वैल्यू दिखी तो ये नहीं कि बना रहे दिमाग में, साइन 37, 37 के सामने कौन सी छोटी साइड 3, तो साइन 37 3/5। टैन 53, टैन 53 ट्रायंगल दिमाग में बना, 53 के सामने बड़ी वाली साइड 4, टैन 53 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर, बढ़िया एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई साहब इस सीरीज के अंदर तो चूहा खाना महापाप है, यहां कर ही नहीं सकते हम लोग चूहा खाने वाली हरकत, यहां एकदम दिल लगा के पढ़ना है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आए एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। घबराने का नहीं है, देखो अगर ये आर्क है और आर्क की लेंथ एल है, रेडियस आर है, एंगल थीटा है, तो बेटा थीटा इज इक्वल्स टू, चीटा नहीं थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू L/R, थीटा इज इक्वल्स टू L/R। और बेटा ये जो थीटा होता है ये रेडियंस में आता है, डिग्री में नहीं, किस में आता है? रेडियंस में। अब रेडियन क्या होता है? जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, 2π रेडियन, 2π यानी कंप्लीट सर्कल, 2π यानी कंप्लीट सर्कल। तो बेटा कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल हुआ? 360 डिग्री। तो 2π का मतलब 360 डिग्री। बस बेटा ये आ गया तो सब आ गया, 2π 360 डिग्री। 2π का आधा किया पाई, तो 2π का आधा किया पाई, 2π का आधा किया पाई, तो 360 का आधा किया 180। पाई का आधा किया पाई बाई टू, पाई का आधा किया पाई बाई टू, तो 180 का आधा किया 90। पाई बाई टू, अच्छा पाई का 1/3 किया, पाई का 1/3 किया, पाई का 1/3 किया, तो 180 का भी 1/3 कर दो 60 डिग्री। बात समझ में आ रही? बड़ा आसान है, पाई का 1/3, 180 का भी 1/3। अच्छा पाई का 1/4 किया, है ना, पाई बाई फोर, पाई का 1/4, पाई को 4 गुना कम किया, तो 180 को 4 गुना कम कर दो 45 डिग्री। पाई बाई 6, पाई को 6 गुना कम किया, पाई को 6 गुना कम किया, 180 को 6 गुना कम करो, डिवाइड बाई 6 करो, 6 × 3 = 18, 30 डिग्री। क्लियर एकदम, याद रहेगा 2π 360, पाई 180, पाई बाई 2 90, पाई बाई 3 60, पाई बाई 4 45, एंड पाई बाई 6 सबसे छोटी वैल्यू इस तरह की जो होती है 30 डिग्री, है ना, स्टैंडर्ड वैल्यूज के अंदर। ऐसे तो और कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्रैक्टिस शीट के अंदर इसके सवाल मैंने दिए हैं, तो प्रैक्टिस शीट को जरूर से डाउनलोड करो ऐप में जाके और उसको जरूर से सॉल्व करो। क्लियर है? रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। क्लियर है एकदम? ये याद रखेंगे 2π 360, पाई 180, पाई बाई 2 90, पाई बाई 3 60, पाई बाई 4 45 एंड पाई बाई 6 30 डिग्री। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखेंगे, इसके सिवा कोई वैल्यू आई तो आप कन्वर्ट अपने आप कर लेंगे यूनिटरी मेथड लगाकर, है ना, कि पाई से इतना होता है तो किससे कितना होगा। चलो नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज बेटा मतलब जो हमेशा ट्रू हो। तो तीन आइडेंटिटीज होती हैं, पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दूसरी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और तीसरी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मेरे ख्याल से सबको याद होगा, बहुत बेसिक था ये, ठीक है, तो ये सबको याद होने चाहिए मेरे ख्याल से पहले से, ठीक है। इसके बाद आ गए डबल एंगल फॉर्मूले पे। ये सब चीजें बच्चे छोड़ के जाते हैं, रट लो, आगे बहुत मजा आएगा, रट लो।
जहां तुम लोग लगता नहीं कि यार ये क्वेश्चन तो हो गया था, बस यार ये फॉर्मूला नहीं होता था। तो यही आज का लेक्चर का इंपॉर्टेंस है। तो डबल एंगल फॉर्मूले बेटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 sin θ cos θ, सिंपल। साइन टू थीटा cos θ। cos टू थीटा का फॉर्मूला cos² θ - sin² θ। cos² θ - sin² θ। sin² θ की जगह आप 1 - cos² θ भी रख सकते हो। ये सुनो, sin² θ की जगह क्या रख सकते हो, cos² θ को ले जाओ, 1 - cos² θ, 1 - cos² θ। तो -1 और -+cos² θ। तो एक फॉर्मूला ये भी बनेगा, 2 cos² θ - 1। sin² θ को हटा दिया। इसी की जगह आप cos² θ की जगह 1 - sin² θ भी रख सकते हो। सो 1 - sin² θ - sin² θ, यानी 1 - 2 sin² θ। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं cos² θ के, cos² θ - sin² θ। फॉर्मूला किसका है, cos² θ का। इसलिए देखो cos वाला पॉजिटिव, cos² θ - sin² θ, 2 cos² θ - 1, और 1 - 2 sin² θ। बढ़िया। इसके बाद tan 2 थीटा, 2 tan θ upon 1 - tan² θ, 2 tan θ upon 1 - tan² θ। क्लियर। तीन फॉर्मूले दिमाग में बैठ गए, sin 2 थीटा 2 sin θ cos θ, cos 2 θ cos² θ - sin² θ, या 2 cos² θ - 1, या 1 - 2 sin² θ, tan 2 θ 2 tan θ upon 1 - tan² θ। आगे बढ़ते हैं बेटा, एडिशन फॉर्मूला। ये सब तो एकदम इग्नोर किया जाता है, नहीं बढ़िया से याद होना चाहिए, बढ़िया से याद होना चाहिए। sin a + b, sin a cos b + cos a sin b, सिंपल। sin a cos b + cos a sin b, sin a - b एकदम सेम रहेगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, एकदम सेम। sin a cos b - cos a sin b, ठीक है। तो साइन में क्या होता है, sin a cos b + cos a sin b, sin a - b sin a cos b - cos a sin b। कॉस में थोड़ा खेल अलग है, cos a + b, कॉस कहते हैं हम साथ साथ रहेंगे, तो cos a + b cos a cos b। और अगर प्लस लगाए ना तो कॉस थोड़ा सा है ही उल्टे दिमाग का, तो यहां पे आएगा माइनस sin a sin b। देखो पढ़ते वक्त भी हम लोग साइन थीटा को सबसे पहले लिखते हैं, कॉस उल्टा होता है थोड़ा। सो कॉस एक तो साथ में रहता है, कॉस ए कॉस बी, और जहां प्लस है वहां पे माइनस आता है, इसी तरह से जहां माइनस है वहां पे प्लस आएगा। cos a - b साथ में cos a cos b + sin a sin b, ये एडिशन फॉर्मूलेज हो गए। क्लियर। sin a + b साइन वाला बढ़िया, sin a cos b + cos a sin b, sin a - b sin a cos b, अच्छा माइनस है, -cos a sin b, cos a + b cos हम साथ साथ रहेंगे, cos a cos b, बीच में अगर प्लस लगा है तो यहां माइनस, -sin a sin b, cos a - b cos कैसा है साथ साथ, तो cos a cos b, माइनस लगा है तो प्लस, उल्टे दिमाग का, प्लस sin a sin b। बहुत बढ़िया भाई। देखो गति तो रहेगी, गति तो रहेगी, 2 साल का काम करना है अपने को 60 दिन के अंदर, तो गति तो रहेगी। आगे बढ़ते हैं। कई लोग कह रहे हैं गति कौन है, अब तो बाहर निकलो इससे, 60 दिन में करना है। tan a + b, तो बेटा tan a + b इज tan a + tan b, ओके, दिस इज वेरी नाइस सर, दिस इज वेरी क्यूट। tan a + b इज tan a + tan b डिवाइडेड बाई 1 - tan a tan b, ऊपर tan a + tan b एकदम सिंपल, a + b tan a + tan b, नीचे 1 - tan a tan b। अब देखो जरा tan a - b, दिमाग लगाओ, tan a - b सर tan a - tan b, यस करेक्ट, tan a - tan b, और नीचे क्या होगा 1 + tan a tan b, मतलब नीचे वाला उल्टा हो जाता है, नीचे वाला उल्टा हो जाता है। देखो मैं सिर्फ साइन कॉस टैन का क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनके रेसिप्रोकल को तो आप फिर मैनेज कर ही लोगे ना,
अब मान लो sec a प्लस बी लिखा है, तो कहा करेंगे मास्टर sec a प्लस बी में कहा करेंगे? बेटा आप cos a प्लस बी निकाल लेना और उसका रेसिप्रोकल कर देना, sec a प्लस बी आ जाएगा, क्लियर है? सो tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b, और नीचे इसका उल्टा साइन, यहां माइनस लगा है तो नीचे प्लस हो गया, यहां प्लस लगा है तो नीचे माइनस, है ना? tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन वन प्लस tan a tan b। तो आई होप ये फॉर्मुलेज आपने मेमोराइज कर लिए, नहीं किए हैं तो जल्दी से मेमोराइज करो, हम लोग सवाल करने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 फाइंड दी वैल्यू ऑफ, सबसे पहले साइन 15 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 पता था, 15 कैसे निकलता है, साइन 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, साइन 15 डिग्री बहुत आसान है। क्या मैं साइन 15 डिग्री को यूं लिख सकता हूं, बोलो साइन 15 को क्या मैं साइन 45 माइनस 30 लिख सकता हूं? यस, ये क्या हो गया, साइन ए माइनस वी, साइन ए माइनस वी, साइन ए माइनस वी। भैया क्या फॉर्मूला है साइन ए माइनस वी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्लियर, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बेटा वैल्यू रख देंगे, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, कॉस 30 डिग्री की √3/2, माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2। तो देखो ये 2√2 2√2, तो एलसीएम तो हो गया 2√2, कहां से करूं मैं प्यार शुरू, 2√2 2√2, इधर क्या है बेटा √3 और इधर क्या है -1, क्लियर है? 2√2 हो गया एलसीएम, यहां √3 यहां -1, √3 -1 अपॉन 2√2, साइन 15 मिल गया। इसके बाद टैन 75 डिग्री, टैन 75 डिग्री, टैन 75 डिग्री, ये तो वैसा हो गया जैसे डीजे नहीं होते, डीजे राकेश 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 राकेश, डीजे 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 टुंग टुंग डुंग डुंग। अच्छा हम लोग वापस आते हैं, हंसी मजाक नहीं, चूहा खाना बंद करें, पांडे जी आप पहले खुद बंद करें। tan 75 डिग्री इज इक्वल्स टू, बेटा tan 75 डिग्री क्या इसको मैं लिख सकता हूं, tan, तुम बताओ, तुम ही कहो tan 75 को कैसे एक्सप्रेस कराएं, बोलो सही है। tan 75 कैन बी रिटन एज tan 45 प्लस 30, tan a प्लस tan b, सॉरी tan a प्लस b, 45 प्लस 30 75, तो क्या लिख सकते हैं बेटा इसको हम लोग, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, बोलो हाँ कि ना, हाँ मास्टर, अगला पेज खाली था मास्टर, यहां क्यों आपने कूड़ा कर दिया, क्योंकि कूड़ा करने में मास्टर को मजा आता है। आजा बेटा नेक्स्ट पेज पे मेरे साथ आजा आजा आजा, हाँ tan 75 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 45 प्लस 30, ठीक है, तो कितना हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, क्लियर। तो tan 45 हो गया बेटा 1, tan 30 1/√3, नीचे आओ 1 माइनस tan 45 1 और tan 30 1/√3, तो बेटा जी ये कितना हो गया इज इक्वल टू 1 + 1/√3, तो एलसीएम हो गया √3 √3 + 1 और नीचे 1 - 1/√3, तो नीचे भी एलसीएम हो गया √3 √3 - 1, √3 √3 कैंसिल, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, क्लियर है, √3 - 1। इसके ऊपर भी आपको अब प्रैक्टिस शीट में और सवाल मिलेंगे, तो प्रैक्टिस शीट को जरूर से प्रैक्टिस करें, सीट जरूर लगाएंगे बच्चों, जैसे कोचिंग की सीट लगाते हैं, कोचिंग की सीट वैसे ही सीट जरूर लगाएंगे, क्लियर है। अच्छा यहीं पे मान लो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं कि मेरे लिए आप फाइंड करो cot 15 डिग्री, तो कैसे निकालोगे यार cot 15? सर cot का तो फॉर्मूला पता नहीं है, तो cot 15 कैसे निकालें सर हम, है ना, हाउ विल वी फाइंड cot 15 डिग्री? तो आप एक काम करो tan 15 निकाल दो, cot 15 पूछा है ना, तो क्या करें, आप tan 15 पे ध्यान दो,
और 10-15 मिल जाए, cot 15 क्या होगा 1/10-15, और 10-15 तो आप निकाल ही सकते हो, क्या होगा 10 45 माइनस 30। इसके बाद आप प्रोसीड कर जाओ, 10a माइनस b है ये, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 10-15 मिल गया तो cot 15। तो रेसिप्रोकल के मैंने फॉर्मुलेज नहीं बताए हैं, बात क्लियर है, बढ़िया से समझ में आ गई। मान लो sec 75 डिग्री पूछे, sec 75 डिग्री तो अपन क्या निकाल देंगे, cos 75 डिग्री, cos 45 प्लस 30, और cos 75 मिलते ही 1 अपॉन cos 75 कर देंगे तो sec 75। तो मैंने रेसिप्रोकल के फॉर्मूले नहीं बताए, घबराना नहीं है देखकर, क्लियर है। cot 15 है तो tan 15 निकाल लो, क्लियर, ओके लेट्स प्रोसीड। फॉर क्वाड्रेंट, फोर क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन, यहां पे फोर नहीं फोर होगा, हाँ फोर नहीं फोर, फोर नहीं फोर होगा, तो फोर क्वाड्रेंट्स होंगे, ठीक है फोर, ये तो लग रहा है मेरठ वाले बोल रहे हैं, मेरठ वाले फोर को फोर बोलते हैं ना, फोर है ना, होश लो, तो फोर क्वाड्रेंट्स, सेटअप, हाँ फोर क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन, चार क्वाड्रेंट और साइन कन्वेंशन, सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का उल्टा यानी कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला, इसमें सिर्फ टैन और टैन का उल्टा यानी कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा यानी सेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ऑल साइन कॉस टैन और सबके उल्टे सब पॉजिटिव, यहाँ पे बेटा सिर्फ और सिर्फ साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे बेटा टैन और टैन का उल्टा यानी कॉट पॉजिटिव, यहाँ बेटा कॉस और कॉस का उल्टा यानी सेक पॉजिटिव, यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यहाँ पे टैन और टैन का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यहाँ पे कॉस और कॉस का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। वैसे तो क्रैश कोर्स है, फिर भी बता दूं इसको याद करने का तरीका, तो इसको याद करने का तरीका होता है एड सुगर टू कॉफी, एड सुगर टू कॉफी, अब कॉफी पीते हो तो अच्छी बात है, हम तो चाय वाले हैं, है ना, आर यू अ कॉफी और अ टी पर्सन, सब लोग लिखते हैं कॉफी पर्सन, कॉफी लगती है कड़ू, है ना, तो एड सुगर टू कॉफी से याद रखें। चलो अब हम लोग देखेंगे, यहां पे देखो क्या है, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा। अब समझो 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं, यानी साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है, टैन का कॉट बनता है, साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है, टैन का कॉट, किसमें 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा में साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है, टैन का कॉट बनता है और कॉट का टैन बनता है। पर आपको साइन ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव का लगाना है कि नेगेटिव का, उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए, है ना, क्या था, एड सुगर टू कड़ू कॉफी, है ना, यही तो था। चलो 90 माइनस थीटा, बेटा 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहले यह सोचो, यहां से यहां गए 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, बहुत बढ़िया, किस में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सब पॉजिटिव होते हैं, देखो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव, साइन का बन गया कॉस और कैसा रहेगा, पॉजिटिव, कॉस का बन गया साइन, पॉजिटिव, टैन का बन जाता है कॉट, पॉजिटिव। 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस में रेशियोस चेंज होते हैं, साइन का कॉस, कॉस का टैन, सॉरी साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, ठीक है। अच्छा 90 प्लस में आओ बेटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, देखो ये 90 डिग्री और प्लस थीटा यानी अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, है कि नहीं, अरे है कि नहीं, देखो 90 प्लस थीटा ये हुआ 90 और उसमें जोड़ा हमने थीटा, तो 90 प्लस थीटा कहां पहुंच गए बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अच्छा साइन 90 प्लस थीटा, पहले तो कॉस लिख दो, साइन का हो जाता है कॉस, कॉस का हो जाता है साइन, टैन का हो जाता है कॉट, कॉट का हो जाता है टैन, 90 प्लस 90 माइनस में रेशियो चेंज होता है, तो साइन का बन गया कॉस। अब बात आती है नेगेटिव की पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहां से चेक करेंगे इस तरफ से, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। बात समझ में आई, अगर साइन 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा है, तो पहले तो रेशियो चेंज कर दो साइन का कॉस, फिर चेक करो कि पॉजिटिव की नेगेटिव, तो बेटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इधर से देखेंगे, उधर से नहीं, इधर से देखेंगे, साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दिया।
cos 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा? साइन थीटा। बेटा cos 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा है? नेगेटिव। यहां से साइन चेक करना है, इधर से साइन मत चेक करना, कई बार बच्चे इधर से साइन चेक करते हैं, यहां से नेगेटिव। tan 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा? cot थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा tan कैसा है? नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव। tan नेगेटिव तो ये नेगेटिव। आओ 270 माइनस थीटा, तो बेटा ये 90, 180, 270 माइनस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है ना। देखो 90, 180, 270 माइनस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में वापस आ गए। क्लियर? 270 माइनस 90, 180, 270 और वापस चले गए, तो 270 माइनस सीधा थर्ड। अब बेटा 270 में भी साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो साइन 270 माइनस थीटा, कॉस थीटा। अब सोचो पॉजिटिव की नेगेटिव। अब ये चीज थर्ड क्वाड्रेंट में कैसी है? साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है? नेगेटिव। सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव। कॉस 270 माइनस थीटा, साइन थीटा। अच्छा अब साइन कैसा होगा इसका? इस क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव। टैन 270 माइनस थीटा, कॉट थीटा। साइन कैसा होगा इस क्वाड्रेंट में? टैन कैसा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। 270 प्लस थीटा, तो 90, 180, 270 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ गए। साइन 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गए? फोर्थ में। और 270 में रेशियो चेंज होता है, तो साइन का बन गया कॉस थीटा। साथ में क्या लगाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? कॉस और उसका रेसिप्रोकल। हमें क्या चेक करना है? साइन। साइन कैसा है? नेगेटिव। यहां से नहीं चेक करना, वरना पॉजिटिव लगा दोगे आप। चेक कहां से करना है बेटा जी? चेक इस साइड से करना है, इस तरफ से। तो साइन 270 प्लस थीटा, तो 90, 180, 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा एक तो 270 है, तो चेंज कर दो, 90 और 270 में चेंज कर देते हैं। और देख लो यहां पे साइन कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव। कॉस 270 प्लस थीटा, 270 है तो चेंज कर दो। साइन बेटा कॉस थीटा इस क्वाड्रेंट में कैसा है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव। टैन 270 प्लस थीटा, कॉट थीटा। और tan इस क्वाड्रेंट में कैसा है? नेगेटिव। सिर्फ cos और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। सो दिस इज हाउ यू वर्क आउट 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। क्लियर? अच्छा इसी तरह से बेटा 180 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। 90 और 270 में रेशियो चेंज होते हैं, 180 और 360 में रेशियो चेंज नहीं होते। 90 और 270 में रेशियो चेंज होते हैं, 180 और 360 में रेशियो चेंज नहीं होते हैं। एड सुगर टू कड़ू कॉफी, ठीक है। अच्छा अब 180 माइनस थीटा कहां पहुंचेगा? 90, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में हो गए आप? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। 90, 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा में रेशियो चेंज नहीं होता, तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। पॉजिटिव की नेगेटिव, बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? पॉजिटिव है। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा। 180 में रेशियो चेंज नहीं होता। नेगेटिव की पॉजिटिव, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव। टैन 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, मैंने तो गलती से चेंज कर दिया। टैन 180 माइनस थीटा, टैन थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा टैन कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव। यहां से देखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव, तो नेगेटिव। 180 प्लस थीटा, सो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गए? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, है ना। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन 180 प्लस थीटा, इट विल रिमेन साइन थीटा। पॉजिटिव की नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव। कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस थीटा। नेगेटिव की पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है? नेगेटिव। टैन 180 प्लस थीटा, टैन थीटा। रेशियो चेंज नहीं होगा, 180 और 360 में रेशियो चेंज नहीं होगा। सो टैन 180 प्लस थीटा, टैन थीटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कैसा है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। 360 माइनस थीटा, 90, 180, 270, 360 माइनस थीटा, यहां पे आए 90। यस,
90, 180, 270, 360 minus theta. कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट है. फोर्थ क्वाड्रेंट है. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव. चलो अब 360 में रेशियो चेंज नहीं होता, तो साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा है ना, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 60 माइनस थीटा टेन थीटा. पॉजिटिव नेगेटिव सोच लेते हैं. साइन कैसा है यहाँ पे? नेगेटिव है. कॉस कैसा है यहाँ पे? पॉजिटिव है. टेन कैसा है यहाँ पे? नेगेटिव है. 360 प्लस थीटा तो बेटा 90, 180, 270, 360 प्लस थीटा कहाँ पहुंच गया? वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं और 360 में रेशियो चेंज नहीं होता. 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, है ना. 360 प्लस थीटा मतलब वापस कहां पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. 90, 180, 270, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव. और 360 में क्या होता है? रेशियो चेंज नहीं. 360 और 180 में रेशियो चेंज नहीं, 90 और 270 में रेशियो चेंज होता है. और नेगेटिव पॉजिटिव कैसे चेक करोगे? इससे. क्लियर? बहुत बढ़िया, इसको अच्छे से समझ लें. चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री. साइन 120 डिग्री तो क्या मैं साइन 120 को लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 30 डिग्री? क्या 90 में क्या होता है? चेंज हो जाता है. सो 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा. और ये कहां पहुंच गए बेटा? हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए. 120 डिग्री 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव. और कॉस 30 कितना होता है? रूट 3/2. खत्म. क्लियर? दूसरा, इसी को आप साइन 180 माइनस 60 से भी कर सकते हो, है ना. सेम क्वेश्चन कैन बी डन बाई साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना. साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. और किस क्वाड्रेंट में? हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है, है ना. 120 सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव. साइन 60 कितना होता है? रूट 3/2. यू गेट द सेम आंसर. क्लियर है? तो इस तरह से आप ये सब वैल्यूज निकाल सकते हैं जो कि 90 से बड़ी हो. कॉस 210 डिग्री, कॉस 210 कितना हो जाएगा बेटा? ये कॉस 180 प्लस 30 लिख सकते हैं. कॉस 180 प्लस थीटा, 180 में रेशियो चेंज नहीं होता, तो इट विल बी कॉस थीटा. कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा. 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? ऑल साइन टेन. थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है और टेन का रेसिप्रोकल यानी ये नेगेटिव होगा. कॉस 30 इज रूट 3/2 माइनस रूट 3/2. थर्ड क्या है अपना? साइन 315 डिग्री. तो बेटा इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 360 माइनस 45. बोलो सही है? साइन 315, साइन 360 माइनस 45. 15 आ रहा है? 315 आ रहा है. साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा में चेंज नहीं होता, तो क्या रह जाएगा? साइन 45. साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा में चेंज नहीं होता है, तो भैया साइन 360 माइनस थीटा विल रिमेन साइन थीटा. किस क्वाड्रेंट में है? 360 315. ऑल साइन टेन कॉस. थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट. और 360 माइनस 45 फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव यानी ये तो क्या हो गया? नेगेटिव. साइन 45 इज 1/√2 आगे लगा दिया नेगेटिव. तो इस तरह का कोई भी रेशियो अब आप निकाल सकते हो. इसके बाद आप स्विच करोगे कहां? प्रैक्टिस शीट के सवालों में और इसके सवाल को और लगाओगे. मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना. एक चीज और समझो, 2π प्लस थीटा हो, 4π प्लस थीटा हो, 6π प्लस थीटा हो, 8π प्लस थीटा हो, है ना. यानी 2π के मल्टीपल में अगर थीटा, 2π के मल्टीपल में अगर लिखा हो और प्लस थीटा हो, तो बेटा रेशियो सेम रहता है क्योंकि आप वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हो. जरा आराम समझो. साइन 2π प्लस थीटा, यहां पे मैं बनाऊं, कहां बनाऊं? यहां बनाता हूं. 2π प्लस थीटा, देखो 2π मतलब 360 डिग्री, तो 2π पहुंचे. 2π मतलब 360 डिग्री प्लस थीटा कहां पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. जब वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो क्या हो जाएगा? साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा. और फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव. कॉस 2π प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 2π प्लस थीटा टेन थीटा. साइन 4π प्लस थीटा, 4π मतलब ये हुआ 2π, फिर एक और चक्कर लगा लिया 4π.
फोर पाई मतलब एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर कहां पहुंच गए, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन फोर पाई प्लस थीटा साइन थीटा, साइन सिक्स पाई प्लस थीटा कॉस सिक्स पाई, मतलब तीन चक्कर। सिक्स पाई मतलब देखो टू पाई फोर पाई सिक्स पाई प्लस थीटा, वापस कहां पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। टेन पाई प्लस थीटा, टेन पाई मतलब पांच चक्कर लगाए, टू पाई टू पाई टू पाई टू पाई, पांच चक्कर लगा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर टू पाई प्लस थीटा हो, फोर पाई प्लस थीटा हो, सिक्स पाई प्लस थीटा हो, एट पाई प्लस थीटा हो, टेन पाई प्लस थीटा हो, या हंड्रेड पाई प्लस थीटा हो, हंड्रेड पाई प्लस थीटा हो, टू पाई का ही तो मल्टीपल है, नहीं पचास चक्कर लगा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दैट विल रिमेन द सेम थिंग, है ना। साइन हंड्रेड पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। क्लियर है बात एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, एक्चुअली इट्स नॉट वेरी स्मॉल, इट्स वेरी वेरी स्मॉल, इट्स वेरी वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत बहुत छोटा है तो बेटा साइन थीटा टेंड्स टू थीटा होता है, कॉस थीटा टेंड्स टू वन होता है, और टेन थीटा टेंड्स टू थीटा होता है। अगर थीटा बहुत बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा वन के बराबर होता है, और टेन थीटा थीटा के बराबर होता है। क्लियर है। और बहुत छोटा मतलब पांच डिग्री तक, दस डिग्री तक, बट एक्चुअल में सच्चाई क्या है, वैसे तो कहा जाता है पांच दस डिग्री, सच्चाई ये है कि ये रिलेशन तीस डिग्री तक वैलिड है, ये रिलेशन तीस डिग्री तक वैलिड है, सच्चाई यही है, दिस रिलेशन इज वैलिड अबाउट थर्टी डिग्री। जरा मैं दिखाता हूं, कई बार ना साइन थीटा की वैल्यू नहीं आती है तो आप उसको सीधा थीटा से निकाल सकते हो, वैलिड अप टू 30 डिग्री अप्रॉक्स। थोड़ी अजीब सी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, साइन 30 की वैल्यू बताओ जरा मुझे। सर साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूं साइन थीटा 30 की जगह टेंड्स टू नॉट 30 डिग्री, इसको पाई में चेंज करना होगा। सो 30 डिवाइड बाई 180, यहां से सीधी वैल्यू आ जाएगी। सो 30 डिवाइड बाई 180 इंटू पाई कितना हो गया, पाई बटे छः। बेटा पाई बटे छः की जरा वैल्यू निकालो, पाई इज 3.142 डिवाइड बाई 6, क्या ये अप्रोक्सीमेटली हाफ नहीं आ रहा है, बात समझ में आई। तो ये जो रिलेशन है ये 30 डिग्री तक वैलिड होता है ना। क्लियर हुआ, साइन 30 हाफ आया है ना। 30 को एक्सप्रेस कर लो किसमें, रेडियंस में, तो कितना हो जाएगा 30 बाई 180 कितना होगा, पाई बाई 6 है ना। 30 को अगर आप एक्सप्रेस कर लो रेडियंस में तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 6, और पाई बाई 6 की बेटा अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी, हाफ आती है। तो यही बता रहा है साइन थीटा टेंड्स टू थीटा हो जाता है, कॉस थीटा टेंड्स टू वन होता है, और टेन थीटा टेंड्स टू थीटा होता है। क्लियर, अगर थीटा बहुत छोटा है। चलो आगे बढ़े। ओके, डिफरेंशिएशन, यहां पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री खत्म, अब हम डिफरेंशिएशन पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो बेटा ये ग्राफ है वाई वर्सेस एक्स, व्हाट इज डीवाई बाई डीएक्स, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स एट दैट इंस्टेंट, बिकॉज स्लोप चेंजिंग भी हो सकती है। सो डी वाई बाय डी एक्स क्या है, डी वाई बाय डी एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये कौन सा रेट मिलता है बेटा, इंस्टेंटेनियस, उस समय क्या रेट है, इंस्टेंट टेनियस, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या रेट है ना। इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स, और बेटा स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, टैन थीटा, है ना, स्लोप का दूसरा फॉर्मूला टैन थीटा। यहां से देखो टैन थीटा क्या होगा, डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई चेंज इन वाई, डीएक्स चेंज इन एक्स। यहां से देखो टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस ट्रायंगल से देखो टैन थीटा की वैल्यू डीवाई बाई डीएक्स होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, अगर y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, जीरो होता है। y x की पावर n है तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन सबको पता होगा, n x की पावर n माइनस वन, यहां जो भी लिखा है पावर उसको बाहर ले आओ और x की पावर एक कम कर दो, है ना। y इज इक्वल्स टू 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। y इज इक्वल्स टू x, x की पावर कितनी है 1, तो 1 को बाहर ले आए क्या हो जाएगा, x की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 यानी 0, सो 1 इंटू x की पावर 0, x की पावर 0 इज 1, तो बेटा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, याद रखेंगे ये बात। अगर y इज इक्वल्स टू x है तो dy बाई dx कितना आ जाता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यहां से पावर 2 को बाहर ले आओ और x की पावर 1 कम कर दो, है ना। देखो पावर बाहर ले आए और x की पावर 1 कम कर दी, पावर को बाहर ले आए x की पावर 1 कम कर दी, तो पावर को बाहर लाए x की पावर 1 कम कर दो, तो 2 से 1 कम किया 1 हो गई। बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। y is equals to x की पावर 5, तो पावर को बाहर ले आओ और x की पावर 1 कम कर दो, पावर को बाहर ले आओ और x की पावर को 1 कम कर दो, तो पावर को बाहर लाए x की पावर 5 से 1 कम की 4, 5x की पावर 4। क्लियर है। जैसे मान लो लिखा हो y is equals to x की पावर 100, तो बेटा कितना हो जाएगा dy by dx। बोलो पावर को बाहर ले आओ और x की पावर 1 कम कर दो, x की पावर 99। क्लियर है, पावर को बाहर ले आए x की पावर 1 कम। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। y is equals to 1 by x, y is equals to 1 by x, y is equals to 1 by x, इसका dy by dx याद होना चाहिए, मैं तो कहता हूं याद होना चाहिए। देखो उल्टे वाले में क्या करते हैं, ट्रिक समझो, x की पावर 1 है ना ये नीचे, और ये नीचे है तो माइनस 1 है, तो यहां लगाओ माइनस 1 और नीचे x की पावर 1 बढ़ा दो, करके भी देख सकते हो फॉर्मूले से। देखो ये नीचे है ना पावर 1, तो यानी माइनस 1 हो गई पावर, तो ऊपर माइनस 1 लिखो जो पावर है और नीचे पावर 1 बढ़ा दो, खत्म। ये देखो 1 अपॉन x स्क्वायर यानी x की पावर माइनस 2, तो ऊपर लिखो माइनस 2 और नीचे पावर 1 बढ़ा दो, ये रेसिप्रोकल को डील करने का तरीका। 1 अपॉन x की पावर 9, तो ऊपर लिखो माइनस 9 और नीचे x की पावर 1 बढ़ा दो। क्लियर है। जैसे मान लो मेरे पास लिखा हो y is equals to 1 अपॉन x की पावर 4, तो dy by dx, सभी लोग साथ में बताएंगे बेटा x की पावर माइनस 4 है, तो ऊपर लिखो माइनस 4 नीचे x की पावर 5 कर दो, है ना। ये जल्दी जल्दी करने का तरीका बता रहे हैं। देखो ये तो सबको याद होना चाहिए कि अगर dy, अगर y की वैल्यू x है तो dy by dx माइनस 1 by x स्क्वायर, कैसे किया, यहां 1 है ऊपर माइनस 1 नीचे पावर 1 बढ़ा दो, ऊपर माइनस 4 नीचे पावर 1 बढ़ा दी। मान लो y इज इक्वल्स टू लिखा है 1 अपॉन x की पावर 7, तो dy by dx क्या होगा, सभी लोग साथ में बोले। देखो निकालने को तो तुम निकाल ही लोगे, तरीका तो तुमको पता ही चल गया, सो यू कैन फाइंड आउट, है ना। इट्स नॉट अबाउट कि आप निकाल नहीं सकते बेटा, dy by dx क्या हो जाएगा इसका, माइनस 7 है ना, तो माइनस 7 ऊपर लिख लो, x की पावर माइनस 7, तो माइनस 7 ऊपर लिख लो नीचे पावर 1 बढ़ा दो। बेटा रूट एक्स, वाई इज इक्वल्स टू रूट एक्स यानी x की पावर हाफ, तो x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन देखो बड़ा आसान है। x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन होता है ये लिखो हाफ और रूट एक्स को नीचे चिपका दो। अब सर क्या कर रहे हो, रटवा रहे हो यार ना, ये सब ऐसा है कि एग्जाम बैठ के कर नहीं सकते, टाइम नहीं है इतना, है ना। नीट का एग्जाम बेटा क्या है, नीट का एग्जाम किस चीज का एग्जाम है, नीट का एग्जाम स्पीड का एग्जाम है, नीट का एग्जाम मेमोरी का एग्जाम है, याद रखो। कई बार नीट में बड़े हेल्दी हेल्दी सवाल दे देता है, और वो हेल्दी हेल्दी सवाल आप अभी कर पाओगे जब आपको बेसिक डेटा याद होगा, जब आप एग्जाम में दो आपको 2-3 हजार चीजें याद हो। देखो जितने भी बहुत अच्छे टीचर होंगे वो ये चीज मना करेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे टीचर कॉम्पिटिशन को पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं रख रहे, ये कॉम्पिटिशन है साहब, यहां हर कोई लड़ रहा है, तो यहां जंग में आने के लिए पहले से अपनी तलवार कस के रखनी पड़ेगी, है ना, अपने बाण कस के रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि वहां जा रहे हैं अच्छा बाण कहां है, अच्छा चलो बाण खरीद के लाते हैं फिर धनुष पे चढ़ाएंगे। y is equals to root x dy by dx 1 by 2 root x, खत्म। हाँ इसको चाहो तो डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कर नहीं सकते। y is equals to root x को क्या मैं x की पावर हाफ लिख सकता हूं, बिल्कुल। सो ये नहीं कह रहा कि कॉन्सेप्ट नहीं है, dy by dx क्या होगा बेटा, हाफ बाहर आ जाएगा, x की पावर हाफ माइनस 1 यानी हाफ, x की पावर हाफ माइनस 1 कितना हो गया, x की पावर माइनस हाफ, माइनस हाफ मतलब 1 by root x, तो देखो आ गया माइनस हाफ का मतलब नीचे ले आओ तो पावर पॉजिटिव हो गई, और हाफ मतलब रूट एक्स, बात समझ में आई, माइनस हाफ माइनस को पावर को नीचे ले आओ प्लस हो गई, और हाफ है तो रूट एक्स कर दिया। बट आप ये सब याद रखो कि वाई रूट एक्स है तो डीवाई बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स, वाई 1/x है तो डीवाई बाई डी एक्स माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये रेसिप्रोकल वाला खेल समझ में आ गया है, खटाखट खटाखट एग्जाम में करना, ये नहीं कि लिख रहे हैं 1/x स्क्वायर को x की पावर माइनस 2, फिर माइनस 2 बाहर आएगा x की पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 फिर नीचे, ना यहां से माइनस 2 ऊपर गया नीचे पावर 1 बढ़ा दी, यहां से माइनस 9 ऊपर गया नीचे पावर 1 बढ़ा दी। बहुत बढ़िया भाई, सबको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सभी को याद होते हैं, एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स डीवाई बाई डी एक्स
माइनस साइन एक्स, y इज इक्वल टू टेन एक्स डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, y इज इक्वल टू sec x dy बाई डी एक्स हो जाता है sec x tan x, इसमें कोई लॉजिक नहीं रटना होता है, बट इन दोनों को देख लो, इन दोनों का पैटर्न समझ में आएगा। tan x का बन गया sec स्क्वायर x, tan x का बन गया sec स्क्वायर x, तो cot x का बन जाएगा cosec स्क्वायर x, ठीक है। sec x का बन गया sec x tan x, sec x का बन गया sec x tan x, तो cosec x का बन जाएगा cosec x cot x। अब एक चीज याद रखो, ये cc वाले में नेगेटिव भी लगता है, cc वाले में नेगेटिव भी लगता है, cc वाले में नेगेटिव भी लगता है। tan x का डिफरेंशिएशन बेटा sec square x, tan x का डिफरेंशिएशन बेटा sec square x, और cot x का cosec square x, एक जैसा लगा। tan x का sec square x, cot x का cosec square x, पर यहां c वाले में नेगेटिव भी लगता है, ठीक है। sec x का sec x tan x, sec x का sec x tan x, तो cosec x का cosec x cot x साथ में नेगेटिव लगता है, क्लियर, रटने वाली बात है। चलो डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, है ना, लॉगरिथमिक भी है एंड एक्सपोनेंशियल भी है, चलो। हाँ, y इज इक्वल टू log x dy by dx होता है बेटा 1 by x, y इज इक्वल टू e की पावर x dy by dx will be e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, y इज इक्वल टू a की पावर x dy by dx हो जाएगा a की पावर x log a, a की पावर x log a। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं लास्ट वाले का, मान लो लिखा है y इज इक्वल टू 10 की पावर x, सो dy by dx होगा 10 की पावर x log 10, ये x की पावर 10 नहीं है, ये 10 की पावर x है, x की पावर 10 में तो आप क्या लिखते हैं 10 x की पावर 9, ये अलग है, 10 की पावर x, तो a की पावर x है ना, पहले कांस्टेंट है पर उसकी पावर में x, अभी तक x की पावर में कांस्टेंट था, x की पावर 10 तो बड़ा आसान है, 10 x की पावर 9 है ना, 10 की पावर x, 10 की पावर x log 10, क्लियर है, याद करने वाली चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, एडिशन रूल बड़ा सिंपल है यार, कोई इसमें नई चीज नहीं है। एडिशन रूल के अंदर देखो, अलग अलग फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करो और सबको जोड़ दो, सिंपल, ठीक है। सो y इज इक्वल, चलो और डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx, dy बाई dx, तो बेटा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, याद रखेंगे हमेशा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x की पावर 4, 4 बाहर आ गया, पावर 1 कम कर दी, 4 बाहर आ गया, पावर 1 कम कर दी, 1 बाई x यानी x की पावर माइनस 1, तो ऊपर माइनस 1 नीचे पावर 1 बढ़ा दो, क्लियर है। यहां क्या होता है, 4 बाहर आया, x की पावर 1 कम कर दी, नीचे वाले में क्या होता है, जो लिखा है x की पावर माइनस 1 है, ये एक तरह से 1 बाई x मतलब x की पावर माइनस 1, तो माइनस 1 ऊपर नीचे पावर 1 बढ़ा दी, प्लस 2 रूट x, तो 2 को एज इट इज छोड़ दो, रूट x का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होता है, 1 बाई 2 रूट x, रूट x क्या होता है 1 बाई 2 रूट x, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस 3 को एज इट इज रखो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, यहां से 2 2 कैंसिल हो गया, दैट्स इट, क्लियर है सभी को। x का 1, x की पावर 4, x क्यूब, 1 बाई x यानी x की पावर माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन x की पावर 1 बढ़ा दी, 2 रूट x, 2 को एज इट इज रखा, रूट x का 1 बाई 2 रूट x, cos x का माइनस साइन x, माइनस 3 को बाहर किया, e की पावर x का e की पावर x। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट uv मेथड, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। सो so, y इज इक्वल्स टू uv, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो dy बाई dx क्या होता है, u dv बाई dx प्लस v du बाई dx, पहले एक फंक्शन को कांस्टेंट लो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को कांस्टेंट लो, पहले को डिफरेंशिएट करो, y इज इक्वल्स टू x log x, तो ये हो गया हमारे पास दो फंक्शन, ये हो गया u, ये हो गया v, तो dy by dx, पहले u को बाहर लिया, log x को डिफरेंशिएट किया 1 by x, फिर v को बाहर लिया और x को डिफरेंशिएट किया, खत्म हो गया, x by x कितना हो गया 1 plus log x is the answer, क्लियर। तो पहले एक को कांस्टेंट लो, दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को कांस्टेंट लो, पहले को डिफरेंशिएट। u बाई v मेथड, u बाई v मेथड,
U by V क्वेश्चन टूल, U by V मेथड। तो dy by dx होता है बेटा जो नीचे लिखा है उसका पहले स्क्वायर कर दो, जो नीचे लिखा है उसका पहले स्क्वायर कर दो, जो नीचे लिखा है उसको पहले लिखो, फिर V du by dx। क्लियर है? जो नीचे लिखा है उसका पहले स्क्वायर कर दो, फिर V du by dx, फिर माइनस लगेगा U dv by dx। तो जो नीचे लिखा है पहले उसका स्क्वायर कर दो, फिर से लिखता हूं, ठीक है? जो नीचे लिखा है पहले उसका स्क्वायर कर दो, u by v, नीचे क्या लिखा है v, तो v का स्क्वायर कर दिया, फिर v du by dx माइनस u dv by dx। तो पहले कौन सा आता है? नीचे वाला कांस्टेंट, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। y is equals to x बटे sin x, x बटे sin x, ये हो गया u, ये हो गया v, आ जाओ डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले नीचे जो लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर एक्स, फिर v को यहां पे लिखेंगे साइन x, और u को डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस लगाएंगे, फिर u को कांस्टेंट लेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, दिस इज द आंसर। क्लियर है? पहले नीचे v का स्क्वायर कर लो, नीचे v का स्क्वायर, फिर यहां v और इसको डिफरेंशिएट कर दिया ऊपर वाले को, फिर माइनस ऊपर वाला लिखा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट, पहले नीचे वाला ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, माइनस ऊपर वाला नीचे वाला, जिसका स्क्वायर हुआ है वो पहले आएगा, ये याद रखो, इसी में गलती होती है, यहीं पे कंफ्यूजन, यहीं पे भूल जाता है इंसान, नीचे जिसका स्क्वायर किया उसी को पहले रखे, यही छोटी 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 बातें होती है जो टीचर समझता है कि कहां आपसे मिस्टेक होती है। तो ऐसे याद रखो, जिसको नीचे स्क्वायर किया उसको यहां पे पहले जगह देंगे, उसी की प्रायोरिटी है। v स्क्वायर, तो यहां v du by dx माइनस u du by dx, और ये तो बड़ा क्लियर है, u v मल्टीप्लीकेशन तो बड़ा आसान है, पहले को कांस्टेंट, दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को कांस्टेंट, पहले को डिफरेंशिएट, पहले को कांस्टेंट, दूसरे को कांस्टेंट, पहले को। इसके सवाल आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सीट के अंदर, तो प्रैक्टिस सीट तो लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट चेन रूल। अब चेन रूल में क्या होता है? अगर यहीं पे लिखा होता sin x, वाह 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 वाह, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, पर यहां sin x स्क्वायर, जब ऐसी फीलिंग आने लगे, है ना, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे और बात आकर जुबान तक रुकने लगे, तो मैंने कई बार कहा है कहने की कोई जरूरत नहीं है, बेइज्जती होती है। तो sin x स्क्वायर, है ना, तो x स्क्वायर को आप x मान लो, यहां यही खेल है, x स्क्वायर को x मान लो, क्योंकि आप चाहते थे दिल से कि यहां x हो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो भैया ठीक है, तो भैया ठीक है, तुम चाहते थे यहां पे x हो, तुमने x मान लिया, सो dy by dx sin x का डिफरेंशिएशन cos x, है ना। फिर क्या करो, इस x को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल x, है ना, कहने का मतलब कि जो लिखा है sin x स्क्वायर तो लिख लो cos x स्क्वायर, अरे ये कैसे हो सकता है, sin x का cos x होता है, तो sin x स्क्वायर का cos x स्क्वायर, इसके बाद ये जो x होना चाहिए था इसको डिफरेंशिएट कर दो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो आंसर हो गया 2x into cos x स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आई कुछ, जो आप चाहते थे x हो, जो आप चाहते थे x हो, sin x होता तो डिफरेंशिएशन सीधा सीधा cos x आता, तो आप इसको मान लो कि ये sin x है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, so dy by dx is equals to cos, और x क्या है x square है, फिर इसको differentiate करो, x square का differentiation क्या होगा बेटा 2 बाहर आ जाएगा, x इधर, x की power एक कम, so ये हो गया 2x into cos x square। clear है? next y is equals to log 2x square plus 4, बेटा log x का differentiation हमें पता है, log x का differentiation is 1 by x, याद रखेंगे log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, तो अगर ये पूरा का पूरा x होता तो इसका डिफरेंशिएशन 1 by x होता, 1 by x, x क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4, फिर क्या करो इस पूरे कैपिटल x को डिफरेंशिएट करो, पहले क्या किया log के अंदर पूरे को कैपिटल x माना, log x का डिफरेंशिएशन 1 by, फिर इस कैपिटल x को डिफरेंशिएट कर दो, आओ डिफरेंशिएट करें 2x स्क्वायर प्लस 4 को, तो 2 एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर एक कम हो जाएगी, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सो व्हाट यू गेट
2 2 4x upon 2x square plus 4। क्लियर हुआ? 4x upon 2x square plus 4। फिर से करके दिखाऊंगा ये वाला, फिर से करके दिखाऊंगा। चलो यही बच्चों कंफ्यूजन होती है हमेशा चेन रूल में, ठीक है। चलो तो मैंने क्या कहा कि इस पूरे को आप दिमाग में x मानो। अब पहले दिमाग से आप उनको निकालो, है ना, आप तो उन्हीं को अपना रब मान रहे हो। इनको x मानो, अपनी x को नहीं याद करने लग गए, इसको x मानना। अभी सर समय नहीं है, सब घबराहट का माहौल है सर, समझो। सो log x माना, सो dy by dx क्या होगा, 1/x होगा। सो यानी 1/ जो x माना है, यानी 2x square plus 4। फिर जिसको x माना है उसको डिफरेंशिएट कर दो, खत्म। सो 2x square का डिफरेंशिएशन 2 एज इट इज रहेगा, x square का 2 बाहर आ जाएगा, यहां x, और 4 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। सो व्हाट विल यू गेट, 4x अपॉन 2x square plus 4। क्लियर है? यहां पे एक और चाहो तो रख के देख लो, y इज इक्वल्स टू सपोज लिखा है cos x square plus 4x plus 2। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy by dx। तो पहले आप किसको चाहते थे x हो जाए, जो वहां पे अंदर लिखा है उसको आप दिल से चाह रहे थे कि वो x हो जाए, है कि नहीं? आप इसको चाह रहे थे कि ये पूरा x हो जाए। सो dy by dx क्या होगा बेटा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। सो माइनस, नहीं समझ रहे, आप यही तो चाह रहे थे ना, आप दिल से चाह रहे थे कि ये पूरा x होता। सो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, सो माइनस साइन, और x की जगह ये जो लिखा है x square plus 4x plus 2, इसके बाद इस पूरे x को डिफरेंशिएट कर दो, है ना, इस पूरे को आपने x माना था। सो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, फिर इस पूरे को डिफरेंशिएट, x square का डिफरेंशिएशन 2 बाहर आ गया, x की पावर 1, प्लस 4x का डिफरेंशिएशन, बेटा 4 एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। मैंने कई बार कहा ये चीज याद होनी चाहिए आपको कि x का, क्या मेरी इमेज साफ आ रही है, हाँ, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। तो ये 2 बाहर आया 2x, और 4 x का डिफरेंशिएशन 1, और 2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा 0 हो जाएगा। सो इट विल बी, इसको इधर ले आओ, 2x plus 4, सामने लगा दो माइनस का साइन, माइनस 2x प्लस 4 और साइन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। नेक्स्ट बेटा डबल डिफरेंशिएट, y इज इक्वल्स टू साइन x, तो dy बाय dx को बोलते हैं y डैश, पहली बार डिफरेंशिएशन को y डैश बोलते हैं। तो y डैश कितना हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। क्या मेरी इमेज क्लियर आ रही है कि कोई इशू आ रहा है इसमें? क्लियर आ रही है, है ना। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब d2y by dx square, यानी इसी को दूसरी बार डिफरेंशिएट करो, इसको हम लोग y डबल डैश बोलते हैं। पहली बार डिफरेंशिएट किया y डैश, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया y डबल डैश, तो दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दो। एक बार किया cos x, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, यस और नो? cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएट। क्लियर है? डबल डिफरेंशिएट, मान लो मैंने लिख दिया y इज इक्वल्स टू x क्यूब, चलो इसका निकालो। तो पहली बार डिफरेंशिएट dy by dx, यानी y डैश, तो 3 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी। दूसरी बार d2y upon dx square, बेटा ये dy by dx का होल स्क्वायर नहीं है, वो अलग चीज होती है, ये डबल डिफरेंशिएट है d2y by dx square, इसको हम लोग बोलते हैं y डबल डैश। पहले डिफरेंशिएशन को y डैश, दूसरे को y डबल डैश, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, 3 एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, कितना हो गया 6x हो गया। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, यहां से सवाल बनते हैं इसके एप्लीकेशन पे। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में एक बात कॉमन है, वो क्या है कि आप देखो जहां पे मैक्सिमा हो रहा है, देखो इस फंक्शन का ये कौन सा वैल्यू है, ये कैसा वैल्यू है, मैक्सिमा है, है ना, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है। इस टाइम बेटा स्लोप कितनी है, स्लोप क्या होता है, टैन थीटा, यहां पे थीटा कितना है 0 डिग्री, स्लोप होती है एंगल दैट द लाइंस मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री, 0 डिग्री पे एकदम स्ट्रेट लाइन। तो बेटा यहां पे स्लोप कितनी होती है, यहां पे स्लोप होती है tan 0,
एंड टैन जीरो की वैल्यू बेटा कितनी होती है, जीरो। और स्लोप क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स, यानी डीवाई बाई डी एक्स यहां पे कितना होता है, जीरो। बात समझ में आ गई, यहां पे एंगल कितना है, जीरो डिग्री है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है। स्लोप हो गया टैन जीरो, स्लोप को हम लोग क्या लिखते हैं, डीवाई बाई डी एक्स, और टैन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो डीवाई बाई डी एक्स जीरो। यहां पर भी बेटा सेम चीज है, यहां देखो फंक्शन की वैल्यू कैसी हो रही है, मिनिमम मिनिमा, और यहां पे भी बेटा स्लोप कैसी है, जीरो ही है। स्लोप इज इक्वल्स टू टैन जीरो डिग्री, और टैन जीरो डिग्री इज जीरो, एंड स्लोप इज डीवाई बाई डी एक्स। तो चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों पे डीवाई बाई डी एक्स जीरो होता है। अब कैसे पता चलेगा सर कहां मैक्सिमा कहां मिनिमा, डीवाई बाई डी एक्स दोनों जगह जीरो होता है, चाहे मैक्सिमा चाहे मिनिमा। कैसे पता चलेगा भाई, डीवाई बाई डी एक्स दोनों जगह जीरो। अगर dy by dx 0 है तो मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी। अब चेक करना होगा d2y by dx square, अगर d2y by dx square less than 0 है यानी नेगेटिव है तो बेटा मैक्सिमा होगा, और अगर d2y by dx square greater than 0 है, greater than 0 यानी पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा। वैसे कहानी थोड़ी उल्टी लग रही है पर ऐसा ही होता है ना, मैक्सिमा में नेगेटिव मिनिमा में पॉजिटिव, ऐसा ही होता है। तो ये डबल डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है मैक्सिमा मिनिमा में, कि जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहां पे dy by dx जीरो होता है, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो दोनों जगह dy by dx जीरो। मैक्सिमा में डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, मैक्सिमा में उल्टा नेगेटिव, और मिनिमा में डबल डिफरेंशिएशन d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। आजो सवाल करते हैं, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एट विच दीज अकर्स। चलो मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे को इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो अगर मेरे से मैक्सिमा मिनिमा पे सवाल है, सबसे पहले एग्जाम में अगर हमने मैक्सिमा या मिनिमा देख लिया, कहीं भी देख सकते हैं, द मैक्सिमम हाइट given by this expression है ना, the maximum range given by this expression कहीं भी मिल सकता है ना, the maximum value of the charge, तो कहीं भी जहां पे बेटा exam में maxima minima बोले वहां पे बिना कुछ सोचे dy by dx को zero कर दो। सबसे पहले dy by dx को zero कर दो, यहां से बेटा dy by dx क्या आएगा, x cube का differentiation, 3 बाहर आ जाएगा, x square 3 बाहर आ जाएगा, x की power एक कम, minus 3 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 कम कर दी, और प्लस 6 का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल्स टू 0, dy by dx की वैल्यू कितनी होनी है, 0। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का 2 बाहर लाए, 3 टू द 6x, और प्लस 6 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। यहां से x की दो वैल्यू आ रही हैं, यहां से x की वैल्यू दो आ रही हैं, 3x square minus 6x is equals to 0. यहां से 3x common ले लिया, x minus 2 equal to 0. तो इधर x 0 है या x minus 2 0 है ना? 3 को उधर ले जाओ, x into x minus 2 equal to 0. तो इसके दो रूट आ रहे हैं, या तो x की वैल्यू 0 है या तो x की वैल्यू 2 है ना? या तो ये 0 होगा या तो x minus 2, इतना तो आता होगा, इतना तो पढ़े होगे भैया, इतना गलत कैसे हो सकता है। तो x की वैल्यू 0 या x माइनस 2 की वैल्यू 0, तो दो वैल्यूज हैं, क्या पता एक मैक्सिमा एक मिनिमा हो, क्या पता दोनों मिनिमा या दोनों मैक्सिमा। चेक कैसे होगा, अब d2y by dx स्क्वायर निकाल के, तो नेक्स्ट स्टेप है d2y by dx स्क्वायर निकालना। क्या करें, दूसरी बार डिफरेंशिएट, तो ये पहली बार डिफरेंशिएट करके आया, dy by dx की वैल्यू यही है ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, ये dy by dx की वैल्यू, इसको फिर से, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3, एक्स स्क्वायर का 2 बाहर आया और पावर 1 कम हो गई। ये देखो dy by dx की वैल्यू है, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3 बाहर रहा, x स्क्वायर का 2 बाहर आया और पावर 1 कम हो गई, माइनस 6x, तो माइनस 6 को एज इट इज ले लिया मैंने, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है लिख लिया, कितना हो गया 3 2 जा 6x माइनस 6, ये d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू है। इसको चेक कर लो, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2 के लिए है ना, इसको चेक कर लो। सो d2y by dx square की वैल्यू चेक करो, x equal to 0 के लिए एंड x equal to 2 के लिए, तो 0 रखने पे क्या हो रहा है,
जीरो कैसा आया, माइनस सिक्स कैसा हो गया, नेगेटिव। और टू रखने पे टू सिक्स जा ट्वेल्व माइनस सिक्स, सिक्स यानी कैसा, पॉजिटिव। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहां पे पॉजिटिव है, ये क्या है, मिनिमा। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, क्या है, मैक्सिमा। और डीवाई बाई डी एक्स दोनों के लिए क्या होना चाहिए, जीरो। सो डीवाई बाई डी एक्स जीरो है किसके लिए, जीरो के लिए और टू के लिए, यानी जीरो और टू पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। कैसे पता चलेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से। सो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये थी, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, थ्री को बाहर रखा, टू को इधर लाए, थ्री टू द सिक्स एक्स की पावर एक कम की, माइनस सिक्स एक्स की पावर एक कम करोगे तो वन हो जाएगा, है ना, सिक्स एक्स माइनस सिक्स। हमने कहा इसको चेक कर लो, x इज इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू टू पे जीरो रखा तो माइनस सिक्स आया, नेगेटिव। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है और डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, ये कौन सी जगह है, मैक्सिमा। यहां डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है और डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। यहां पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो भी है और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव भी है, तो दिस इज मैक्सिमा। और यहां पे बेटा x इज इक्वल्स टू टू पे क्या हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स जीरो है और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, यानी ये मिनिमा है। कब, x इज इक्वल्स टू टू पे मिनिमा है, x इज इक्वल्स टू जीरो पे मैक्सिमा है। सो y मैक्सिमम निकालना है तो x की वैल्यू जीरो रख दो, ये रहा y का एक्सप्रेशन, इसमें x की वैल्यू जीरो रख दो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई y की, सिक्स। और y मिनिमम निकालना है तो x की वैल्यू टू रख दो, ये रहा y का एक्सप्रेशन, इसमें x को टू रखो, टू क्यूब एट माइनस थ्री, टू स्क्वायर फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, एट माइनस ट्वेल्व माइनस फोर प्लस सिक्स टू, तो कितनी आई, y मिनिमम टू। सो y की मैक्सिमम वैल्यू सिक्स है, मिनिमम वैल्यू टू है, क्लियर है। x की वैल्यू दो रख के चेक कर लो, दो रखा, टू क्यूब एट माइनस थ्री, टू स्क्वायर फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, एट माइनस ट्वेल्व माइनस फोर प्लस सिक्स टू, क्लियर। तो ये हुआ मैक्सिमम मिनिमा। अब हम लोग आ गए बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ने पे तो 16 वीडियो बन सकते हैं। बेसिक इंटीग्रेशन जो आ सकता है, सबसे पहले इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रल वाई डी एक्स इज द एरिया अंडर कर्व, इस कर्व के अंदर जितना एरिया आ रहा है उसको हम लोग इंटीग्रेशन से ही निकालते हैं। व्हाट इज इंटीग्रल वाई डी एक्स, इट इज एरिया अंडर कर्व, इस बात को याद रखेंगे। व्हाट इज इंटीग्रल वाई डी एक्स, एरिया, इस कर्व के अंदर जितना एरिया आ रहा है उसी को हम लोग इंटीग्रल वाई डी एक्स बोलते हैं। इंटीग्रेशन का मेन कहानी क्या है, एरिया अंडर कर्व। नेक्स्ट, बेसिक फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का, एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुने, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी एंड एन शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। लंबी कहानी है, x की पावर n है तो ऊपर पावर एक बढ़ा दो और नीचे पावर एक बढ़ाकर डिवाइड कर दो। x की पावर n है तो ऊपर पावर एक बढ़ा दो, नीचे पावर एक बढ़ाकर डिवाइड कर दो। कंडीशन क्या है, x की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू माइनस वन ना हो, यानी आप कभी भी x की पावर माइनस वन का इंटीग्रेशन इस तरह से मत करना। कहने का मतलब वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन मत करना, ठीक है। ये फॉर्मूला किस पे वैलिड नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स पे, ठीक है, इसके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। आ जाओ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, सबसे पहले हमने डी एक्स स्टार्ट किया, तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर 0 डी एक्स बाई x की पावर 0 क्या हो गया 1, तो 1 डी एक्स। x की पावर 0 है तो ऊपर x की पावर 1 बढ़ा दो और नीचे x की पावर 1 बढ़ा के डिवाइड कर दो, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना हो गया x बाई 1 प्लस सी, सो x प्लस सी। तो dx का इंटीग्रेशन बेटा x होता है, याद रखो dx का इंटीग्रेशन x होता है, याद रखो dx का इंटीग्रेशन x होता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। dx का क्या है, एक्चुअली 1 का इंटीग्रेशन ही तो है, 1 dx का इंटीग्रेशन x और x का डिफरेंशिएशन 1 है ना। 1 dx है, 1 को मैंने x की पावर 0 लिखा तो क्या हो गया, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये x की पावर 1 बाई 1 प्लस c। अच्छा इंटीग्रल x dx ये कितना हो जाएगा बेटा, x की पावर 1 है, ये x की पावर 1 है तो ऊपर पावर 1 बढ़ा दो और नीचे पावर 1 बढ़ाकर डिवाइड कर दो, कितना हो गया x स्क्वायर बटे 2 प्लस c। x स्क्वायर dx तो ऊपर पावर 1 बढ़ा दो, नीचे पावर 1 बढ़ाकर डिवाइड कर दो प्लस c, क्लियर है।
एक्स स्क्वायर है, ऊपर पावर एक बढ़ा दी एक्स क्यूब, नीचे पावर एक बढ़ा के डिवाइड कर दिया, वन बाई एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स स्क्वायर। बेटा इसका डिफरेंशिएशन, अरे हाँ, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस वन बाई एक्स, माइनस वन बाई एक्स कैसे करेंगे चलो देखते हैं। एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स है, है ना, एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, सो एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, सो ये हो गया एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, यानी ये हो गया माइनस वन बाई एक्स प्लस सी। तो मैंने कहा ना बेटा वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद रखो माइनस वन बाई एक्स, और 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या था माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस, सुना होगा 1 by x का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, 1 by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कई जगह मिलता है ग्रेविटेशन वगैरह में, 1 by r पोटेंशियल निकालने में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 1 by r का टर्म आपको बहुत जगह इंटीग्रेशन में मिलने वाला है, स्फेरिकल शेल वगैरह वगैरह बहुत जगह मिलता है फिजिक्स में। 1 by r का इंटीग्रेशन, सॉरी 1 by r स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब भी मिले क्या करेंगे माइनस वन बाई आर, वन बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन जहां भी मिले माइनस वन बाई आर या माइनस वन बाई एक्स, क्लियर है। बाकी तो यार फॉर्मूले से कर ही सकते हो, फॉर्मूला तो सब कुछ है ही है, फिर भी जब चीजें याद होती तो मजा आता है। वन बाई एक्स स्क्वायर मैं चाहूंगा याद रहे आपको, वन बाई एक्स स्क्वायर मैं चाहूंगा याद रहे आपको, वन बाई एक्स स्क्वायर एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, तो माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, सो माइनस वन बाई एक्स। आगे बढ़ते हैं, अब एन माइनस वन हो गया है ना, पर्टिकुलर कंडीशन इस पे फॉर्मूला वैलिड नहीं था, यानी 1 by x की वैल्यू है ना, n माइनस वन का मतलब 1 by x की वैल्यू। तो बेटा 1 by x का इंटीग्रेशन होता है log x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, ऐसे याद भी रह सकता है ना, अगर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस वन डी एक्स है, व्हाट इज दिस, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx, सो 1 by x dx का इंटीग्रेशन है log x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, क्लियर। 5 dx, तो बेटा क्या अब देखो इस तरह कैसे करना है, इंटीग्रल 5 dx, तो जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है मैंने बता दिया x होता है, सो 5x plus c, यहां पे भी c लगा लो क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, जब तक यहां लिमिट ना लिखी हो तब तक c लिखते हैं, अगर यहां पे लिमिट्स लिख दें, यहां पे लिमिट्स लिख दें तो प्लस c लिखना बंद कर देते हैं। 10x dx, तो बेटा इंटीग्रेशन से 10 बाहर आ जाएगा, x dx, तो बेटा x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऊपर पावर एक बढ़ा दो नीचे पावर एक बढ़ाकर डिवाइड कर दो, तो ऊपर पावर एक बढ़ा दी नीचे पावर एक बढ़ाकर डिवाइड कर दी प्लस सी, टू फाइव जा टेन, सो फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहां पे आ गए बेटा e की पावर x, ये ढीढ़ आदमी है, इसको डिफरेंशिएट करो फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेट करो फर्क नहीं पड़ता, सो e की पावर x प्लस सी, डिफरेंशिएट भी करोगे e की पावर x को तो e की पावर x, इंटीग्रेट भी तो ही। log x का इंटीग्रेशन इसको बेटा हम लोग आइलेट रूल से करते हैं, आइलेट रूल हमको नहीं पढ़ना, log x का इंटीग्रेशन आप सिर्फ याद करके बैठ सकते हो, ठीक है, इसको लर्न ही करना पड़ेगा इसको भी। सो log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x, x log x माइनस x, ये log x का इंटीग्रेशन होता है, x log x माइनस x, और log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है, x log x माइनस x। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x का इंटीग्रेशन, देखो sin x का डिफरेंशिएशन था cos x, इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस cos x, यहां पे खेल पलट गया, प्लस c तो लगाना ही लगाना है, जब तक यहां लिमिट्स नहीं लिखी हैं तब तक प्लस c लगता है। cos x का इंटीग्रेशन, cos x का डिफरेंशिएशन था माइनस साइन एक्स, यहां पे उल्टा हो जाएगा, यहां पे प्लस साइन एक्स प्लस सी। इसके बाद sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, बेटा tan x का डिफरेंशिएशन था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, बेटा cot x का डिफरेंशिएशन था माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x प्लस सी, क्लियर है, याद आई ये बात। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस है ना, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन था माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन में प्लस साइन एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, डीवाई बाई डी एक्स क्या था, सेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। cot x का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। आगे बढ़ते हैं, ax plus b types, तो सारा इंटीग्रेशन जैसा था वैसे ही करो, बाद में a से डिवाइड कर दो,
साइन ए एक्स, अभी इसके एग्जाम्पल भी देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, जा था वही करो, साइन एक्स का था माइनस कॉस एक्स, सो माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, इसके बाद ए से डिवाइड कर दो प्लस सी, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो बेटा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या था प्लस साइन एक्स, तो साइन जो इंटीग्रेशन कर रहे थे वही करो, बाद में ए से डिवाइड कर दो, sec स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x था, सो tan ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए कर दो, सिंपल, cosec स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो cosec स्क्वायर का क्या था माइनस cot x, तो माइनस cot ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए कर दो प्लस सी, dx अपॉन ए एक्स प्लस बी, ये पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए, इसको ध्यान से पहचानो, ये कुछ इसी फॉर्म को चेंज किया है, ये किसको चेंज किया है, ये इस फॉर्म को चेंज किया है 1 बाई एक्स डी एक्स को, 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन था log x, है ना, ये स्पेशल केस था जहां x की पावर माइनस वन हो रही थी, n इज इक्वल्स टू माइनस वन पे फॉर्मूला वैलिड नहीं है कि x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन वैलिड नहीं है, सो 1 बाई एक्स का स्पेशल इंटीग्रेशन था log x, अब इसी x की जगह ax प्लस बी आ गया, तो जो कर रहे थे वही करो, बस लास्ट में a से डिवाइड कर दो, e की पावर ax प्लस बी, ये कहां से बना, ये इससे बना, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या था e की पावर x प्लस सी, तो e की पावर ax प्लस बी का भी क्या होगा e की पावर ax प्लस बी, और लास्ट में a से डिवाइड कर दो, सिंपल है, जहां x था, अगर x की जगह ax प्लस बी आ जाए, अगर x की जगह ax प्लस बी, तो सेम है, देखो साइन x होता तो माइनस कॉस x, साइन ax प्लस बी है तो माइनस कॉस ax प्लस बी, 1 बाई एक्स होता, 1 बाई एक्स होता तो log x आता, ax प्लस बी है तो log ax प्लस बी डिवाइड बाई e की पावर x होता, e की पावर x, come on यार, come on, e की पावर x होता तो e की पावर x आता, e की पावर ax प्लस बी तो ax प्लस बी डिवाइड बाई ए, चलो सवाल कर लेते हैं कुछ थोड़े से प्रैक्टिस, पहला साइन 2x प्लस 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3, तो बेटा क्या करेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, सो माइनस कॉस 2x प्लस 3, और देखो ये ए एक्स प्लस बी है तो ए से डिवाइड प्लस सी, यही तो ए है यहां, ए एक्स प्लस बी का ही तो फॉर्म है, सो साइन का माइनस कॉस एक्स होता है कर दिया डिवाइड बाई ए कर दिया, सेकेंड 1 अपॉन 4x प्लस 3, पहचान रहे हो लॉग एक्स वाला फॉर्म है, 1 बाई एक्स से 1 बाई ए एक्स प्लस बी बन गया है कि नहीं, ये क्या है ax प्लस बी, सो 1 बाई एक्स का ही तो फॉर्म चेंज हुआ है, 1 बाई एक्स का क्या था log x, तो log 4x प्लस 3 डिवाइड बाई a प्लस सी, थर्ड e की पावर 2x, अब देखो इसमें b नहीं है, ax प्लस बी, b की वैल्यू 0 भी कह सकते हो, ये e की पावर x तो नहीं है, थोड़ा सा तो अलग है ना उससे, e की पावर 2x, सो यहां पे आप क्या बोल सकते हो कि b की वैल्यू 0 है, ax प्लस जीरो, फॉर्म तो वही है ना, एक्स प्लस जीरो, सो ई की पावर 2x dx का इंटीग्रेशन, एक मिनट, ई की पावर 2x dx का इंटीग्रेशन, तो हम लोग बोल सकते हैं ये ax प्लस जीरो का इंटीग्रेशन है ना, सो ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर 2x और डिवाइड बाई a प्लस सी, यहां पे b की वैल्यू 0 है तो b नहीं आएगा, e की पावर ax डिवाइड बाई 2, है ना, जैसे मान लो आपके पास कहीं ये लिखा हो, है ना, इंटीग्रेट साइन 2x, है ना, अब इसमें क्या है, इसमें b की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी, क्लियर, यहां पे क्या हुआ ax प्लस जीरो हो गया, b की वैल्यू 0 है कोई दिक्कत नहीं है, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी, नेक्स्ट और दिखा दे,
फोर्थ हो गया था अपना ना। जैसे मान लो अपना लिखा है 1/2x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो इसमें तो ये भी कर सकते हो आप, हाफ को बाहर ले सकते हो और 1/x dx का इंटीग्रेशन, सो 1/2 log x है ना। इस तरह से मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, है ना। और बताओ और क्या कर सकते हैं, हो गया आई थिंक जितना भी हो सकता था इसमें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड, है ना। जैसे मान लो आपको ये दिया हो cos 2x का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, आई थिंक रेपिटेटिव सवाल हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे b की वैल्यू 0 है तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c, क्लियर। ये तो इसके सिमिलर हो गया। चलो नेक्स्ट, डेफिनेट इंटीग्रल बेटा, डेफिनेटली बच्चों, डेफिनेटली, माय नेम इज अलक पांडे, सो डेफिनेटली बच्चों, सो डेफिनेट इंटीग्रल में, वेरी सॉरी, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि कांस्टेंट नहीं आता, प्लस सी नहीं आता, क्यों, क्योंकि यहां पे लिमिट्स डिफाइंड होती हैं, बस इतना समझ लो। एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन, आओ देखो कैसे करते हैं इसको, पहले एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट कर लो, क्या एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर एक बढ़ा दो, नीचे उसी से डिवाइड कर दो, एक्स की पावर एक बढ़ा लो, नीचे पावर एक बढ़ा के डिवाइड, यहां लिखो 2, यहां लिखो 4, ठीक। अब एक्स की जगह पहले 4 रखो, एक्स की जगह पहले 4 रखो, 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर माइनस लगाओ, फिर x की जगह लोअर लिमिट रखो, खत्म। समझ में आया, पहले x की जगह अपर लिमिट रखो, फिर माइनस लगाओ, फिर x की जगह लोअर लिमिट रख दो, 4 का स्क्वायर यानी 16/2, 2 का स्क्वायर यानी 4/2, तो 8-2 आंसर आ गया 6, बोलो सही है। एक्स स्क्वायर बाई 2 ही होगा, एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की वैल्यू पावर एक बढ़ी, नीचे उसी से डिवाइड कर दिया, सो पहले एक्स की जगह 4 रखा, 4 स्क्वायर बाई 2, माइनस एक्स की जगह 2 रखा, 2 स्क्वायर बाई 2, 4 स्क्वायर 16/2, माइनस 2 स्क्वायर 4/2, तो 8-2 6, ठीक है। एक्स क्यूब डी एक्स कर लेंगे अब आप, एक्स क्यूब डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एक बढ़ा दो, नीचे पावर एक बढ़ा के डिवाइड कर दो, यहां पे 1, यहां पे 2, तो पहले एक्स की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, सो 2 की पावर 4/4, माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे, लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखो, उसके बाद माइनस लगाओ, उसके बाद लोअर लिमिट रख दो, 2 की पावर 4 यानी 16 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 4, माइनस 1/4, तो 16/4 कितना हो गया, 4-1/4, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 4 चके 16-1, 15/4, 4 चौके 16 15/4। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बेटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा और 0 से लेके पाई, मेरा इसमें जब माइनस आता है ना, मेरा कहना होता है माइनस बाहर निकाल लो, करना आसान होता है, क्या माइनस बाहर निकालना अलाउड है, जी हाँ अलाउड है, 0 से पाई। अब माइनस को बाहर रखो बेटा, अब कॉस पहले थीटा की जगह पाई रखेंगे, माइनस कॉस थीटा की जगह 0 रखेंगे, क्लियर है, है ना। यहाँ पे वेरिएबल क्या था, थीटा, है ना, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो डी थीटा के टर्म्स में होता है, जब थीटा है तो डी थीटा के टर्म्स में, सो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, 0 से पाई, साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस जब दिखे बाहर निकाल लो, अब कॉस पहले पाई रखो, माइनस 0 रख दो, थीटा की जगह पहले पाई फिर 0, कॉस पाई बेटा कितना होता है, यहां बाहर माइनस लगा, कॉस पाई यानी कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0, कॉस 180 कितना होता है, माइनस 1, है ना, ये सब छोटी चीजें सब लिख लेते हैं, कॉस पाई और साइन 180 बेटा जीरो, ठीक है, साइन 0 0, साइन 180 भी 0, हाँ, अब यहां जाओ तो माइनस 1, माइनस कॉस 0 माइनस 1, माइनस 2 और माइनस 2 और अच्छा साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स और कॉस स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। अब ये थोड़े अलग होते हैं, ये किसी फॉर्मूले से नहीं सॉल्व होते। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, साइन 2x का भी हमने पकड़ लिया क्या है, माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, बट साइन स्क्वायर एक्स का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, साइन 2x का माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका एक ही तरीका है, डबल एंगल फॉर्मूले पे जंप करो, डबल एंगल फॉर्मूले पे जंप करो, डबल एंगल फॉर्मूले पे जंप करो, इसका एक ही तरीका है,
डबल एंगल फॉर्मूले में। देखो इस तरह का इंटीग्रेशन बीच में फंसने का नीट में चांसेस कम है, एक तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का सवाल आएगा नहीं, पर अगर ये बीच में कहीं आता है तो इस तरह के इंटीग्रेशन के चांसेस लो हैं। पर मैं चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी रखूं, तो इस तरह की चीजें भी अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो क्या करना होगा, साइन स्क्वायर एक्स को आप कॉस 2x के फॉर्म में लेके जाओ। कॉस 2x का अगर फॉर्मूला आप याद करो, 2x मतलब कॉस 2 थीटा, अगर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आप याद करो तो साइन के टर्म्स में था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां x है तो x लिख दिया। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से बेटा 2 साइन स्क्वायर x को इधर ले आओ, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा। यहां से साइन स्क्वायर x कितना आ गया, हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 2x। सिमिलरली बेटा आप कॉस स्क्वायर x को भी लिख सकते हो। देखो कॉस 2x का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर x में क्या था, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि है तो फॉर्मूला कॉस का ना, तो पॉजिटिव कौन होगा, कॉस। कॉस 2x में 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहां से बेटा 2 कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा, और यहां से कॉस स्क्वायर x विल बी बोलो हाफ इंटू 1 प्लस कॉस 2x, बोलो सही है। बस बेटा आप साइन स्क्वायर x की जगह ये वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर दो, कॉस स्क्वायर x जगह ये वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर दो, खत्म। साइन स्क्वायर x dx की जगह वैल्यू पुट करो हाफ 1 माइनस कॉस 2x, अब ये इंटीग्रेशन अंदर घुस जाएगा, यानी हाफ का dx अलग अलग कर लो इसको, हाफ का dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ हाफ का cos 2x dx, समझ गया, हाफ dx हाफ cos 2x dx। चलो तो बेटा हाफ तो बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, माइनस हाफ फिर से बाहर आ गया, कांस्टेंट को बाहर करते हैं, cos 2x का इंटीग्रेशन cos 2x पहचान रहे हो, ax प्लस 0 का फॉर्म, सो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया x बाई 2 माइनस sin 2x बाई 4 प्लस c, खत्म। इधर से cos स्क्वायर x का कर लो बेटा, cos स्क्वायर x dx फॉर्मूला क्या है इसका, हाफ 1 प्लस cos 2x, है ना, चेक कर लो, हाफ 1 प्लस cos 2x dx, तो सारी कहानी सेम रहेगी, बस इस माइनस की जगह प्लस आ गया है, तो ऑल स्टोरी विल रिमेन सेम। लास्ट में देखो यहां जो माइनस है, ये माइनस यहां आया, ये माइनस यहां आया, ये माइनस यहां, यहां पर उसी की जगह प्लस है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x by 2 प्लस, क्लियर, वहां जो माइनस था यहां प्लस। तो बेटा इंटीग्रेशन में अपन इतना ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद अब आप प्रैक्टिस शीट को फिजिक्स वाला ऐप में जाके उम्मीद बैच में बाय नाउ का बटन दबाएं, कोई पैसा नहीं लगेगा, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे, वहां से प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड करेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे, अगर सॉल्व नहीं होगा तो कल उसका वीडियो सॉल्यूशन भी ऐप में आपको उम्मीद बैच के अंदर मिलेगा। सो ये हमारा पहला लेक्चर था, अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स, होंगे धमाकेदार सवाल और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, यहां से कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आया था डायरेक्टली इसलिए डिस्कस नहीं किया। सो माय नेम इज अलक पांडे और मैं आपको आया हूं यहां एक छोटी सी उम्मीद देने, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।